अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है ये खैरियत से होंगे। तो मैं पावर प्लांट में उतरी थी और यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्वाड आया था। अभी देखना ये कैसे स्क्वाड वाइप होता, बड़ा हैवी था। तो यहाँ पे आपको पता है पिछले घर में भी कुछ बंदे आ जाते हैं छोटे वाले घर में, इसको यहाँ पे मैंने एक बंदे को डाउन कर दिया। अभी इसी का ही टीममेट है, ये देखना कितना तेज़ बंदा होता है। सारे के सारे तेज़ थे वैसे तो। ये देखो इसको मारते हुए थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन ये भी यहाँ पे डाउन हो गया। अभी इसके दो और पड़े हुए हैं, ये तीसरा वाला है। ये वाला देखना, ये वाला तो भाग जाएगा। अभी यहाँ पे मैं इसको मारने लगूंगी ना, देखना जैसे इसको जैसे मैं मारने लगी, इसका टीममेट पीछे से आ गया। वो देखो मेरी एसपी देखो बिल्कुल ही लो है। मैंने इसको जैसे तैसे करके डाउन किया। मैंने कहा पहले मैं जाके किट लगा लेती हूँ तो फिर आके इस लास्ट वाले बंदे को मारूंगी। तो आप लोगों को पता है लास्ट वाले बंदे पे तो कितना प्रेशर होता है कि जा तू ने बंदा मारना, तू सानू रिकॉल करा, रिवाइव दे। तो वो बेचारा यहाँ से ना इन लोगों की बातों से परेशान होकर रिकॉल पे चला गया होगा। तो यहाँ पे वो मिला ही नहीं मुझे। ग्लाइडिंग डोल यहाँ पे यूज़ करके ना निकल गया होगा, क्योंकि मुझे साउंड भी नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर ही बंदा है वो वाला, बट वो ग्लाइडिंग डोल यूज़ करके निकल गया यहाँ से। तो काफ़ी मैंने उसको ढूंढा, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद है अभी भी इधर बंदा। तो मैं देख देख के चल रही थी यार कहीं से मेरे साथ प्रैंक ना हो जाए और मुझे कुटन ना पड़ जाए। तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे है, लेकिन फिर मैंने इनके टीममेट को फिनिश कर दिया सारों को बारी बारी करके, और वो बंदा मुझे एंड तक नज़र नहीं आया। भाग गया था मतलब कहीं पे, पता नहीं किधर चला गया था। तो इन सारों को मैंने यहाँ पे फिनिश किया और मैं यहाँ से निकल गई। यहाँ पे आने लगी है आयशा बाजी। देखो यार आयशा ओपी, बहुत ओपी आयशा है। इसका नाम भी ओपी आयशा है, इसलिए मैंने इसको ओपी बोला है। देखो यहाँ पे आयशा बाजी को मैंने डाउन कर दिया। वैसे आयशा बहुत ज़्यादा सच में हैवी प्लेयर थी, लेकिन यहाँ पे इसने मुझे डाउन कर दिया। अभी इस आयशा के काम से करना, अभी ये रिकॉल कर होके आएगी और मुझे बदला लेने के लिए आएगी। जब हिम्मत चेक करो बदला, ये देखो बदला लेने के लिए आई है, दोबारा से पहाड़ी पर चढ़ी हुई है। मैंने फिर आयशा बाजी को नो फिनिश दे दिया। तो बस हिम्मत को सलाम करना चाहिए, आयशा अच्छा खेल रही थी। तो यहाँ पे एक और बंदा भी था, इसको मैंने काफ़ी लो किया, लेकिन यहाँ पे ये फोर्थ नहीं हो सका। उतनी देर मुझे ना पीछे से कहीं से पड़ेंगी, बहुत गंदी वाली फायर पड़ेंगी मुझे। देखो यहाँ पे मुझे पड़ी। अभी हम इस घर से होकर आए थे और यहाँ पे एक कैंपर छुपा हुआ था, वहाँ पे वो हिला भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, बट ये बंदा उधर बैठा हुआ था। तो देखो कितने आराम से अभी निकला है, पहले इसने जरा सा भी शोर भी नहीं किया था। वो देखो अभी फिर रहा है। तो यहाँ मैंने इसको फिनिश ही कर दिया। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था ये बंदा। फिर यहाँ पे हम लोग निकलने लगे थे मैं और मेरी टीममेट, बट उसके बाद यहाँ पे ना एक और बंदा मुझे नज़र आ गया। वो सामने बिल्कुल बंदा है, तो इसको यहाँ मैंने फोर्थ किया। अभी यार एक बंदे के साथ देखना क्या प्रैंक होता है। ये फुटबॉल वाला मैं इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि यार जैसे ही फायर पड़ती है ना एक आधी, तो वो वहाँ भी रुक जाता है। ये देखो और बेचारे के साथ अगले के साथ प्रैंक हो जाता है। मैं तो ये ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करती हूँ, अच्छी है बट ये थोड़ी इसमें गड़बड़ आ जाती है। तो इसको मैंने यहाँ पर नॉक फिनिश किया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। यहाँ पर यार तीन ही बंदे रह गए हैं। अभी ये लोग एक को मैंने डाउन किया यहाँ पर। अभी जिसके टीममेट्स हैं ना वो भी बड़े ख़तरनाक हैं। एक के पास ओम है यार, आगे आप लोग समझ जाओ। ओम वाला बंदा भी है। ये इस वाले को मैंने मारने की कोशिश की, बट यार इसके पास ओम थी इसलिए मैं डर रही थी कि मुझे मारना दे, और उसी इतनी देर में उसने मेरी सारी की सारी वेस्ट उड़ा दी। अभी देखो मेरी वेस्ट नज़र ही नहीं आ रही है, इतनी गंदी उसने मुझे गोली मारी है। तो यहाँ मैंने कहा यार आराम से फिर ना इसको मारती हूँ। फिर पंगा तो होता है मुझे लेने का, कितना शौक है पंगे। मैं इसे फ़ौरन बार बार ले जा रही थी कुट खाने के बाद भी। देखो मैं कैसे सामने आके फ़ौरन पीछे हो जाती हूँ कि पढ़ना ना चाहिए मुझे। तो काफ़ी मैं इसको कोशिश कर रही थी मारने की, लेकिन ये बड़ा तेज़ बंदा था। मैंने सोचा मैं ना अभी देखो इसको काफ़ी मारने की कोशिश की। मैंने कहा अभी इसको पता है कि मैं इधर हूँ, तो ना मैं थोड़ी सी अपनी ना लोकेशन चेंज करती हूँ, लेट के मैं ना थोड़ी साथ वाली विंडो पे जाती हूँ ताकि इसको पता ना चले। तो यहाँ पर मैं लेट गई और साथ वाली विंडो पर जा रही हूँ, बट ये इतना कुछ तेज़ मीसना बंदा था ना, इसको पता चल गया था मैं इधर आ गई हूँ। और यहाँ पर मेरी तेज़ पंती मुझे लेट डूबी और यहाँ पे मैं डाउन हो गई। मैंने अपने टीममेट को कहा जल्दी से मुझे रिवाइव दे, इससे पहले कि वो लोग रश करें। उन लोगों को तो पता था दो ही बंदे रह गए हैं और इसी बिल्डिंग में है दोनों बंदे, सो इन लोगों ने आके मेरे पे रश कर दिया। तो शुक्र है मैं रिवाइव हो गई थी, किट भी लग गई थी मेरी उतनी देर में। तो ये लोग आने लगे हैं अभी। देखो चेक करो यहाँ पे मैंने इसको नेड मारा, इस ये भी नेड चला रहे हैं मुझे मारने के लिए, लेकिन मैंने पहले नेड मार दिया और ये मेरे नेड से डाउन हो गया, लेकिन इसके नेड से कुछ भी नहीं हुआ, मेरे सर के ऊपर से गुजरा नेड। बचत हो गई यार मेरी। तो अभी आखिरी बंदा रह गया इसी का ही टीममेट।
देखना कितनी जल्दी मेरी एचपी लो कर देता। देखो कितनी जल्दी ने मुझे जीरो एचपी कर दिया ऑलमोस्ट। तो यहाँ मैंने इसको मारा और चिकन हो गया यार। काफ़ी अच्छा बंदा था ये और सारे के सारे अच्छे बंदे ही आए हुए थे। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चिकन हो गया 15 किल्स के साथ, तो अभी मेरी ट्रॉफी भी मिल गई हमें। सो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ग्रेनेड ओपन द चैट। ट्रॉफी उठाई भी जाती है। हाँ।